हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं हूं सूरज, एक बारा चैनल इको मिक्सर साउंडक्राफ्ट ईएफएक्स 12। इस बारा चैनल इको मिक्सर में इको प्लस रिवर्ब साउंड आउटपुट होता है। एक प्रोग्राम सिलेक्ट पर बैंक ए पर रिवर्ब साउंड मिलता है। उसके बाद यहां पे जो प्रोग्राम सिलेक्ट है, इस प्रोग्राम सिलेक्ट में बी बैंक जानने के बाद इको साउंड आउटपुट होता है। अगर प्रोग्राम साउंड के लिए एक ही साथ में रिवर्ब प्लस इको साउंड अगर एक ही साथ मिलता तो सिंगर के लिए बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड, इस साउंडक्राफ्ट ईएफएक्स 12 इस बारा चैनल इको मिक्सर में मैं आज एक ही साथ में इको प्लस रिवर्ब साउंड आउटपुट करूंगा। देखते हैं किस तरह एक ही साथ में रिवर्ब प्लस इको साउंड आउटपुट होगा। आइए देख लेते हैं। तो सिंगर के लिए बहुत बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि वोकल के लिए रिवर्ब साउंड बहुत बहुत अच्छा होगा। उसके बाद उसके साथ साथ भी अगर कोई लॉन्ग इको साउंड चाहता है तो मैंने उसी रिवर्ब के साथ साथ भी एक ही वॉल्यूम को कम करूँगा, तो उसके बाद ही इको साउंड मिल जाएगा। लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग इको साउंड मिल जाएगा सिंगर के लिए। तो देख लेते हैं इस बारा चैनल इको मिक्सर में इको प्लस रिवर्ब साउंड कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है। आइए देख लेते हैं। एक आउटपुट ले लिया मैंने, देखो एक्सएलआर माइक्रोफोन, यहाँ पे 12 माइक्रोफोन इनपुट मिल जाएगा। तो यहाँ से कोई भी एक चैनल पर एक माइक्रोफोन, इसके साथ एक माइक्रोफोन कनेक्ट कर लिया, उसको पावर दे दिया मैंने। यहाँ से एक माइक्रोफोन इनपुट किया 8 नंबर चैनल पर, और एक आउटपुट भी ले लिया। इसके बाद यहाँ पर जो रेड कलर बॉटम देख रहे हो, ये रेड कलर वाला, इसको गेन कहते हैं। एक चैनल में एक गेन और 12 चैनल में 12 गेन कंट्रोल मिल जाएगा। इसके बाद एचएफ हाई फ्रीक्वेंसी यानी ट्रेबल कंट्रोल, इसके बाद मिड फ्रीक्वेंसी दोनों मिल जाएगा, उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी, एक बेस कंट्रोल भी एक चैनल पर मिल जाएगा, 12 चैनल में 12 बेस कंट्रोल, इसके बाद ऑक्स कंट्रोल, और इसके बाद इफेक्ट्स का नॉब मिल जाएगा। इफेक्ट्स के लिए एक नॉब यहाँ से एक खुलता है, और पैन के लिए भी एक नॉब मिल जाएगा, और पीएफएल म्यूट के लिए एक चैनल के लिए एक म्यूट और एक मेन फिटर। इसको मैंने तोल दिया साउंड, इसको 50% से ज़्यादा कर दिया, और गेन को ज़्यादा नहीं थोड़ा देने पर बेहतर होगा। सीट अगर ज़्यादा दे दिया तो सीट आ जाएगा, और यहाँ पर ट्रेबल मिडिल पर रख दिया। मिड के लिए 2 नॉब मिल जाएगा, यहाँ पे मिड 0 रख दिया, और बेस थोड़ा कर दिया, और इफेक्ट्स के लिए। तो फ्रेंड, मैंने कहा कि एक 12 चैनल इको मिक्सर में इको प्लस रिवर्ब साउंड आउटपुट होता है। एक ही प्रोसेसर में यहाँ पे जो सिलेक्ट प्रोसेसर है, यहाँ पे जो प्रोग्राम सिलेक्ट है, इस प्रोग्राम सिलेक्ट में यहाँ पे जो ग्रीन LED जल रहा है ए लाइट ये बैंक में, यहाँ से जो प्रोग्राम सिलेक्ट है, इस प्रोग्राम सिलेक्ट में लाइट ए और लाइट बी, लाइट ए पर रिवर्ब साउंड मिल जाएगा। अगर इस प्रोग्राम सिलेक्ट को घुमाने के बाद 16 यानी 1:17 हो जाएगा, 2:18 हो जाएगा, 18 चैनल पर इको साउंड मिल जाएगा बी बैंक पर। मैंने कहा कि एक ही साथ में देखिए, यहाँ से घुमा रहा हूँ, 2 नंबर कर दिया बी बैंक में इको साउंड मिल जाएगा। मैंने कहा कि एक साउंडक्राफ्ट 12 चैनल इको मिक्सर में इको के साथ साथ अगर रिवर्ब साउंड भी आउटपुट हो जाएगा तो सिंगर के लिए बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड, आज का वीडियो मैंने ये रख दिया, ये सवाल खड़ा कर दिया कि एक ही साथ में इको प्लस रिवर्ब साउंड कैसे आउटपुट होगा। बने रहे मेरे वीडियो के साथ। यहाँ पे जो एपीडी डिले है, इसको मैंने 2 यानी 3 नंबर पर रख दिया, और इसके बाद जो डीके है, इसको भी 6 नंबर रख दिया, और वेरी के लिए जो वॉल्यूम है यहाँ पे, इसको भी 6 नंबर पर मैंने रख दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे एल आउटपुट कर दिया मैंने, एक्सएलआर एल आउट लिया, ये वाला, इसको मैंने बढ़ा दिया आर नहीं, यानी मैंने एल पर आउटपुट लिया, और एल
मास्टर फीडर को मैंने खोल दिया। इसके बाद ये जो इफेक्ट्स का फीडर है इसको बढ़ा दिया। इसको बढ़ाने के बाद एक माइक्रोफोन चैनल पर फीडर इसको बढ़ा दिया। आइए देख लेते हैं इको साउंड किस तरह होता है। हेलो 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 टेस्ट 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 हेलो 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 चल 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 हेलो 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 टेस्ट 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 हेलो 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 चल 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 हेलो 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 टेस्ट 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 हेलो 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 चल 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 हेलो 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 टेस्ट 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 चल चल चे, चे, चे। तो दोस्तों यहाँ से मिलता है ये को साउंड बी बैंक पर हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्ट 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 हेलो 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 हेलो। तो इस इको के बाद रिवर्ब साउंड कैसे मिलता है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जो एपीडी डिले है इस एपीडी डिले वॉल्यूम को देखिए मैंने एक नंबर पर रख दिया। हेलो चेक टेस्टिंग हेलो हेलो चेक हेलो चेक टेस्टिंग हेलो हेलो चेक हेलो वन टू हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो। रिवर्ब एक नंबर पर लिखा, रिवर्ब दो यानी तीन नंबर पर इक्वेशन मिल जाएगा। मिक्सचर में रिवर्ब प्लस इको साउंड किस तरीके से आउटपुट होता है तो देख लिया। इस वॉल्यूम को एक नंबर पर और एक के बाद तीन चार में इको साउंड मिल जाएगा, एक में रिवर्ब और तीन में इको। तो सिंगर के लिए बहुत बहुत अच्छा साउंड यहाँ से मिलता है। एक बार चैनल इको मिक्सचर साउंड क्राफ्ट की तरफ से इस मिक्सचर में इको प्लस रिवर्ब एक के साथ में आउटपुट होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, बाय।